आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और इजी सी थाली। तो थाली में हमने लिया है सबसे पहले यूपी स्टाइल, ढाबा स्टाइल, चने की दाल, लौकी डाल करके मूली का साग बनाया है, आलू गोभी की सब्जी है, आंवले का मुरब्बा है। आंवले के मुरब्बे की रेसिपी अभी नहीं शेयर कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथ ही मूली और गाजर का सलाद है और रोटी है। तो बहुत ही सिंपल सी थाली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थाली है, बहुत ही हेल्दी थाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है क्योंकि ये बहुत हेल्दी थाली बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी सीखिएगा, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ज़रूर से बनाइएगा ये हेल्दी थाली। इसको आप लंच या डिनर किसी भी टाइम बना सकते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, थाली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारी सब्जियों को धो और काट लेंगे। तो ये मूली के पत्ते और मूली को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। आलू गोभी काट करके धो लिया है, एक गोभी का फूल लिया था और एक आलू बड़ा सा लिया था। चने की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिंगा दिया था, इससे वो फूल गई है और बहुत हमारा कुकिंग प्रोसेस कम हो जाएगा। लौकी छिल रही है दाल में डालने के लिए, और ये टमाटर, अदरक और हरा मिर्चा लिया है। एक चीज़ और इसकी बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है कि इसमें मैंने कोई भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो जो लोग भी लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं वो भी इस थाली को बहुत आराम से अच्छी तरह से बना सकते हैं। दाल में डालने के लिए हम सबसे पहले बरी को भून लेते हैं। जी हाँ, ये हम आज चने की दाल में बरी डाल करके बनाएंगे। अक्सर हम लोगों के यहाँ यूपी में चने की दाल और लौकी में बरी डाल करके बनाया जाता है, और ये मेरी घर की बनी हुई बरी है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बरी को हम थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगे। कुकर में हमने जो है चने की दाल, जैसे बताया आप लोगों को कि 4 घंटे के लिए भिंगा दिया था, वैसे भी मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि दालों को बिना भिंगाए नहीं बनाया कीजिए। अगर उसका प्रोटीन इंटेक अच्छी तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्व कराना है तो उसके लिए दालों को भिंगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आपका साथ ही साथ कुकिंग प्रोसेस भी बहुत बच जाता है। लौकी को हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो है हमने जो बरी भून के रखी थी वो डाल देंगे। पानी इतना डालिएगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर डिप हो जाएं, क्योंकि लौकी में भी अपना पानी छोड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो वो बाहर भी आने लग जाएगा और फिर हमें उसको एब्जॉर्ब कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। साथ ही बस इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे और इसके बाद इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। मैंने 2 सीटी लगाई थी तेज आँच पर, फिर इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। अगर आपकी दाल अच्छी तरीके से भीगी है तो वो इतनी देर में अच्छी तरह से पक जाएगी। अगर आपने दाल भिगाई नहीं है और आप वैसे ही कच्ची दाल को डायरेक्ट चढ़ा रहे हैं तो शायद उसमें 4 से 5 सीटी आपको लगानी पड़े। चला करके हम इसको चढ़ा देते हैं। और इधर हमने अपने मूली के साग को भी बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट करिएगा तो साग बनने में जल्दी हो जाएगा और हम मतलब बहुत देर तक उसको पकाना नहीं पड़ेगा। चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो मैंने कास्ट आयरन कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुकिंग ऑयल अच्छी ब्रांड का हो, यानी कि कोल्ड प्रेस ही ऑयल यूज़ करें। जीरे हींग का तड़का लगा देंगे और इसके बाद इसमें हम अपने आलू और गोभी को डाल देंगे। तो पहले आलू और गोभी को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को इस टाइम मैंने जो है तेज कर दिया है, मीडियम से हाई फ्लेम की तरफ किया है कि हमारी आलू और गोभी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है कोई भी अच्छी सब्जी बनाने के लिए, बस थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखें और उसको कायदे से अगर पहले थोड़े टेक्निक्स का यूज़ करते हुए अगर करें तो कम तेल में भी आप बहुत अच्छी सब्जी बना सकते हैं। एक तरफ वो हमारी सब्जी भून रही है, फ्राई हो रहा है, तब तक हम अपने उसको मूली का साग बना लेते हैं। तो ये मैंने इसके लिए मूली के साग के लिए भी लोहे की कढ़ाई ली हुई है। आयरन की कढ़ाई लेने में ये अच्छा होता है कि आपकी सब्जी का स्वाद तो बढ़ ही जाता है। कभी भी आप सूखी सब्जी अपने कास्ट आयरन तवा कढ़ाई में बना करके देखिए, उसका स्वाद तो बढ़ ही जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो है आयरन क्वालिटी
भी आ जाएगी। चलिए आलू गोभी की सब्जी में, हमारा सब्जी अच्छी तरीके से हमारी भुन गई है तो उसमें मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। क्योंकि बिल्कुल सूखी है, हमने तेल भी कम डाला है तो इसमें बहुत थोड़ा सा, जैसे पानी का छींटा डाला जाता है ना, बस वैसे ही एक छींटा सा आप लगा दीजिए, मतलब बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए और इसके बाद इसको ढक करके रखिएगा पकने के लिए। तो जो उसका इवेपरेशन होगा ना, जो उसमें भाप बनेगा, उससे आपकी सब्जी कम तेल में भी अच्छी तरीके से पक जाएगी। फ्लेम को इस टाइम एकदम लो कर दीजिएगा। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, जो हमने मूली के साग के लिए तेल अपना चढ़ाया था वो गर्म हो गया है, तो उसमें भी हम जीरे और हींग का ही तड़का लगाएंगे। तो इसको भी मैं अपने कास्ट, मतलब ये तो मेरी सिंपल लोहे की कढ़ाई है, तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो आप ज़रूर दिन भर में एक बार एक मील आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाया करिए, जिससे कि काफ़ी कुछ आयरन डेफिशिएंसी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मूली हमने अच्छे तरीके से मूली के साग को चॉप कर लिया है, अब हम इसमें ज़्यादा कुछ हमको इसमें नहीं मिक्स करना है, बस हम इसमें थोड़ा सा जो है नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसके इसको चलाएंगे और इसको जो है साग में नमक अगर आप पहले डाल रहे हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में इसको बना रही थी तो हमने पहले ही नमक डाल दिया है, अगर आप पहले नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा कम ही नमक डालिएगा, क्योंकि जो भी साग होता है ना वो जब पानी छोड़ता है और पकता है तो वो सिंक कर जाता है, कम हो जाता है। मूली का साग बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है लेकिन तब भी कम होता है, बाकी जितने भी साग होते हैं ना, चाहे आप पालक बनाएं चाहे सोया मेथी बनाएं, ये सब बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्वांटिटी में, तो नमक हमेशा बहुत ध्यान से साग में डालना चाहिए। साग है, तरोई की सब्जी है, ये सब ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि सिंक होकर के बहुत कम हो जाती हैं पकने के बाद, तो हमें जो है नमक ध्यान से डालना चाहिए। अब हमने इसमें एक चम्मच अदरक और मिर्चे का जो पेस्ट बना करके रखा था ना, आप लोगों को शुरुआत में दिखाया था कि अदरक और मिर्चा लिया है, उसको मैंने पिस करके दरदरा सा एक पेस्ट बना लिया है, वही हम अपनी सब सब्जी और दाल में डालेंगे। तो एक चम्मच वो डाल दिया है और बस इसमें हल्दी और नमक ही डालेंगे और कोई भी इसमें अभी में मसाले नहीं डालने हैं, चलाएंगे और इसको खुला ही पकाएंगे और बहुत फटाफट से हमारा मूली का साग बन करके तैयार हो जाता है। आलू गोभी की सब्जी देख लेते हैं, देखिए भाप में कितनी अच्छी तरीके से पक रही है, नीचे चिपक भी नहीं रही है और जब हमारी सब्जी करीब करीब 70-80% पकने वाली होगी तब हम उसमें टमाटर और अदरक और मिर्चे का जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम डाल देंगे। तो मैंने पहले शुरुआत में आपको दिखाया था कि हमने 4 टमाटर लिए थे, तो उसमें से 2 जो छोटे साइज़ वाले टमाटर थे वो मैंने क्रश कर लिए हैं और वो मैंने इसमें सब्जी में डाल दिया है। चलाएंगे, हमारा 70-80% करीब करीब सब्जी पक चुकी है, बस थोड़ी सी और पकानी है तो वो टमाटर के रसे के साथ और अच्छी तरीके से पक जाएगी। मेरा मूली का साग देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, थोड़ा सा और चला लीजिए। अगर आप लोहे की कढ़ाई को खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं ना तो बहुत कम तेल में भी आपकी सब्जी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो ये कढ़ाई में से हम जो है सब्जी निकाल लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं अपने दाल के लिए मसाला तैयार करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह से थाली वगैरह बनाते हैं और शूट कर रहे होते हैं तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो एक कढ़ाई ही यूज़ की है जिसमें हमारी सब्जी बन रही है और दूसरी कढ़ाई को ही मैं दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें मैंने एक चम्मच कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, जीरे हींग का तड़का दिया है और जो 2 बड़े टमाटर आपको दिखाए थे उसको मैंने मिक्सी में हल्का सा क्रश कर लिया है, बहुत बारीक प्यूरी टाइप का नहीं बनाया है, क्रश किया है। थोड़ी सी इसमें हींग डाल दीजिए, हींग ज़रूर से डालिएगा क्योंकि हम बरी भी डाल रहे हैं और चने की दाल भी है तो पेट थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की डर रहता है, तो इसीलिए हींग ज़रूर डाल दीजिएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालिएगा, जितना टमाटर वगैरह में चाहिए केवल उतना, क्योंकि दाल में हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि हम इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रहे हैं तो मैं लाल मिर्च पिसी हुई नहीं डाल रही हूँ। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच से थोड़ा ही कम आप गरम मसाले का रखिएगा और अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। सब चीज़ को अच्छी तरीके से चलाइए और अब हम इसको पकने देंगे जब तक कि टमाटर और हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से पक नहीं जाते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता ले लीजिए, ये फ्लेवर को
और ज़्यादा बढ़ा देगा। ऑप्शनली अगर आपको करी पत्ते का फ्लेवर नहीं पसंद है तो नहीं डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं करी पत्ते के, तो मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर डालें। चाहे तो आप तड़के में डाल सकते हैं और चाहे तो अभी आप डाल सकते हैं इस टाइम। हम अपनी दाल देख लेते हैं। तो देखिए, दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है, बस इसको एक बार अच्छी तरीके से चलाइएगा और हमारा मसाला भी काफ़ी कुछ पक चुका है। गोभी की सब्जी देख लेते हैं, और आपको उधर दिखाई दे रहा होगा कि मेरा चीला भी बन रहा है, तो वो मूंग की दाल का चीला बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो वो ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरे हस्बैंड के लिए, और ये सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ लंच के लिए, जो कि टिफ़िन में उनको पैक करके दूंगी पूरा खाना, और वो बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। तो हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती, आप चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बस इसको अच्छी तरीके से चलाइए। और गोभी आलू तो ऑलरेडी हमारा पहले हमने खूब अच्छी तरह से उसको भुना हुआ है, गैस बंद कर दीजिए और उसको ढक करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। मसाला हमारा दाल का अच्छी तरीके से भून चुका है, अब इस मसाले को हम इस कुकर में डाल देंगे, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है और मैं बड़ा कोई और बर्तन नहीं इंगेज करना चाहती हूँ। तो कुकर में ही हमने ये मसाला सारा डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म पानी मैंने कढ़ाई में डाल करके उसको पूरा अच्छी तरह से वॉश करके भी इसमें डाल दिया है। अब मेन काम अब इसके बाद का है, थोड़ा पेशेंटली टाइम लेकर के इस दाल को बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद अब हम इस दाल को कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, लेकिन प्रेशर कुक नहीं करेंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे, मतलब हल्का सा ढक्कन लगाइएगा, प्रेशर नहीं लगाइएगा, इसमें स्लो फ्लेम पे इसको हम पकने देंगे। जितनी अच्छी तरीके से ये आपकी दाल घुटेगी ना, मिलेगी सारे मसालों के साथ, और जितनी अच्छी तरीके से ये पकेगी, तो आपकी ये दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा उभर करके आएगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर दाल बनाइएगा। और दाल पकाते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी दाल गाढ़ी हो रही है, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पानी गर्म हो, यानी एक बार पानी को बॉयल करिएगा और तब डालिएगा। धनिया की पत्ती डालिए, हमारी दाल तैयार है। आइए एक तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। तो देशी घी मैंने ले लिया है, और उसमें मैंने जीरा, हींग और साबुत लाल मिर्च डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से चलाइए, जब ये चिटकने लग जाए तो गैस ऑफ कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, जिससे कि एक और अच्छा कलर आ जाएगा। ये तड़का जब आप ऊपर से लगाएंगे ना, तो इसकी बघार करने के बाद जो वो स्मेल आएगी ना, आपको अपने आप से भूख लगने लग जाएगी, और जितने भी लोग घर के होंगे ना, उन्हें अपने आप से भूख लगने लग जाएगी। ये इतनी अच्छी स्मेल इस टाइम और इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा होगा। अगर आप प्याज लहसुन डालना चाहते हैं, तो जब आपने तड़का वो वाला लगाया था टमाटर वाला, तो उससे पहले आप प्याज डाल करके भून सकते हैं, और आप जब ये तड़का लगा रहे हो तो इसमें भी आप लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने ये पूरी थाली बिना लहसुन प्याज के ही बनाई है। तो लीजिए, हमारी दाल का तड़का भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने उसको डाल दिया है। अब हम बस, अब मेरे सारे कंपोनेंट बन करके तैयार हो गए, तो चलिए हम अपनी थाली लगा लेते हैं। तो लीजिए, चने की दाल रख दी है, ऊपर से तड़का लगा दिया है, सब्जियां सारी रख दी हैं, रोटी रख दी है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आज की ये थाली आपको पसंद आएगी, आप ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ या थाली के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।